बीकानेर शहर की सड़कों पर सफाई के लिए आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघावल व महापौर सुशीला कंवड ने रोड स्पिंग मशीन को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि शहर की सड़कों में मशीन की सफाई के लिए दो रोड स्पिंग मशीन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत निगम को अब दूसरी मशीन मिल चुकी है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री मेघावल व महापौर द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। दोनों रोड स्पिंग मशीनों को खरीदी पर करीब 1,10,00,000 रुपए की लागत आई है। इन मशीनों की खास बात यह है कि इन मशीनों में 3 बड़े साइज के ब्रश लगे हुए हैं जो सड़कों की सफाई करते हैं। साथ ही मशीन में डंप टैंक भी है। सड़कों में कचरे को सर्शन के माध्यम से डंप टैंक में एकत्रित किया जाता है। यह मशीन 1 घंटे में करीब 6 से 8 किलोमीटर तक सड़क की सफाई करती है। मशीन में वाटर टैंक और जेट भी लगे हुए हैं। जरूरत पड़ने पर इन जेट से सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया जा सकेगा। दूसरी ओर शहर में त्रस्त पड़ी सफाई व्यवस्था के विरोध में कांग्रेसी पार्षदी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघावल के काले झंडे दिखाकर विरोध किया है। पूर्व में भी बेदला व्यवस्था से नाराज कांग्रेस पार्षदों ने ताले लगाकर भड़ा ग्रह के आगे धरना किया है, जिसके बाद से साफ सफाई को लेकर सियासत तेज है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को